हेलो दोस्तों, मैं ऋषभ आप सभी का एक बार फिर से हैप्पी लर्निंग आवर्स में स्वागत करता हूँ। ये जो कोर्स है सिस्टम इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, ये फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट है, स्पेशली जो पुणे यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, उनके लिए डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये लेक्चर सीरीज़ का सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज के बारे में पढ़ा था, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमने पढ़ा था। आपने अभी तक वो फर्स्ट वीडियो मेरा देखा नहीं होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उसकी लिंक मैंने प्रोवाइड कर दी है, तो आप फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। तो चलो, तो फिर हम सेकेंड जो पार्ट है इसका, उसकी शुरुआत करते हैं। तो आपको याद रखना है, आपको खुशी से पढ़ना है, बहुत सारा पढ़ना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही बढ़ना है। तो ये जो सेकेंड जो वीडियो है, वो जो डिफरेंट टाइप के पावर प्लांट्स है, तो अभी जो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स है, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गया, सोलर पावर प्लांट हो गया, तो नंबर ऑफ पावर प्लांट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली पावर प्लांट होता क्या है? तो पावर प्लांट ऐसी जगह होती है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो बेसिकली आपको अगर याद होगा, जो हमारा टॉपिक है, यूनिट वन का जो टाइटल है वो है इंट्रोडक्शन टू एनर्जी सोर्सेज एंड इट्स कन्वर्जन, एंड यानी कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू दी अदर फॉर्म। तो अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं थर्मल पावर प्लांट का, तो यहाँ पे थर्मल एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में बात करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिमिलरली सोलर पावर सिस्टम में या सोलर पावर प्लांट में सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स के बारे में अभी से जो है, जो भी वीडियो सीरीज रहेगी आगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर एक पावर प्लांट पे एक वीडियो बना दिया जाएगा, वो अपलोड कर दिया जाएगा। तो बेसिकली इसका जो लेआउट रहेगा कि थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, उसका स्कीमेटिक डायग्राम कैसे होता है, वो कैसे वर्क होता है, वर्किंग प्रिंसिपल, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, सो काफ़ी सारी चीज़ें हम डेली बेसिस पे देखते जाएंगे। तो चलो हम फर्स्ट पावर प्लांट जो है हमारा थर्मल पावर प्लांट, उसे स्टीम पावर प्लांट भी कहा जाता है, तो वो हम पहले पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली शुरुआत करने से पहले ये चीज़ पे फोकस करना ज़रूरी है कि जो इंडिया है वो कौन से सोर्सेस से इलेक्ट्रिसिटी लेता है। सो वेयर इंडिया गेट्स इट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम, ये जो है ये रिसेंट नंबर है, जनवरी 18 के नंबर से। तो अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, तो न्यूक्लियर एनर्जी से हमें 6.78 गीगावाट इतनी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। उसके बाद अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात करें, तो 44 गीगावाट इतनी हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अगर हम रिन्यूएबल टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज की बात करें, जैसे कि सोलर हो गया, टाइडल हो गया, जियो थर्मल हो गया, तो अराउंड 62 गीगावाट इतनी एनर्जी हमें मिलती है। और अगर हम थर्मल पावर प्लांट, जो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है, अगर ये कंसिडर करते हैं, तो उससे हमें अराउंड 220 गीगावाट इतनी इंस्टॉल कैपेसिटी है, जनवरी 2018 के ये नंबर से। तो ये जो पिक्चर्स यहाँ पे मैंने बताया हुआ है वो है एनटीपीसी, ये जो एक कंपनी है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि पावर प्लांट बिल्ड भी करती है और उसको रन भी करती है। तो ये जो पिक्चर है वो है एमपी का, मध्य प्रदेश का है। दिस इज द पिक्चर ऑफ लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया। उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 4760 मेगावाट, मेगावाट यानी × 10⁻⁶ वाट। सो इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड। ये कहाँ पे सिचुएटेड है, विंध्याचल एक जो जगह है मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पे इंडियाज लार्जेस्ट पावर प्लांट सिचुएटेड है। ओके, सो बेसिकली थर्मल पावर प्लांट में होता क्या है वो एक बार देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इट्स अ वेरी ह्यूज स्ट्रक्चर। ओके, कूलिंग टावर्स है, ठीक है, और कौन से कंपोनेंट्स है वो हम आगे अभी देखने ही वाले। सो बेसिकली होता क्या है थर्मल पावर प्लांट में, सो थर्मल एनर्जी अवेलेबल इन द स्टीम इज
कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड यूज्ड फॉर ड्राइविंग स्टीम टर्बाइन. स्टीम टर्बाइन इज कपल्ड टू अ जनरेटर एंड हेंस पावर इज प्रोड्यूस्ड व्हेनेवर टर्बाइन इज रोटेटेड. सो बेसिकली इन थर्मल पावर प्लांट थर्मल एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू वॉट इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो ये बेसिक हमें एनर्जी कन्वर्जन ध्यान में रखना है. क्या होता है, थर्मल एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अभी वो कैसे होता है, ये स्टीम टर्बाइन क्या होते हैं, ठीक है, जनरेटर क्या होता है, वो हम आगे पढ़ने ही वाले हैं. अभी जो भी थर्मल पावर प्लांट रहेगा, तो व्हाट आर द डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, दिस आर व्हाट प्राइम फैक्टर्स फॉर स्टार्टिंग अ स्टीम पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट. फर्स्ट जो है अवेलेबिलिटी ऑफ कोल. कौन सा फ्यूल यूज होता है थर्मल पावर प्लांट में बच्चों, कोल. सेकंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ओके वाटर भी जरूरी है, पानी. थर्ड है अवेलेबिलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग फॉइल फाउंडेशन. आपने ये पिक्चर देखा होगा, दीज आर ऑल वेरी ह्यूज स्ट्रक्चर्स, तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग सॉइल फाउंडेशन होना काफी जरूरी है. नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी. देखो बच्चों, हमें कोल एक जगह से जहां से उत्पन्न होता है वहां से हमें पावर प्लांट तक लेके जाना है, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हमें लगने वाली है. सो अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी. थर्ड है ये पावर प्लांट रन करने के लिए हमें इंजीनियर्स की जरूरत होती है, लेबर्स की जरूरत होती है, तो वो भी एक फैक्टर है. और लास्ट जो है अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशियंट स्पेस, राइट. सो सफिशियंट स्पेस, लैंड की भी जरूरत हमें होती है. सो दीज आर दी वेरियस फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स वन मस्ट कंसिडर फॉर स्टार्टिंग अ स्टीम पावर प्लांट. अभी ये जो है स्कीमेटिक डायग्राम है, अभी ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है. देखिए बच्चों, चार इसके मेजर कंपोनेंट है. फर्स्ट वन इज बॉयलर, सेकेंड वन इज टर्बाइन, थर्ड वन इज कंडेंसर और फोर्थ वन इज फीड पंप. ये चार मेजर कंपोनेंट होते हैं स्टीम पावर प्लांट या फिर थर्मल पावर प्लांट में, ठीक है. अभी देखो ये वर्क कैसे करता है वो एक बार हम समझ लेते हैं. तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे बॉयलर से. बॉयलर का उद्देश्य, बॉयलर का फंक्शन क्या होता है, टू प्रोड्यूस सुपरहीटेड हाई प्रेशराइज स्टीम. अभी वो जनरेट कैसे करता है, तो एक फर्नेस होता है, फर्नेस में हम कोल बर्न करेंगे, वो कोल जो बर्न करेंगे उससे फ्ल्यू गैसेस प्रोड्यूस होगी, वो फ्ल्यू गैसेस यूज करके हम क्या करेंगे, जो वाटर है उसको हम क्या करेंगे, बॉइल करेंगे, इसीलिए हम इसे कहते हैं बॉयलर. अगर वाटर को बॉइल करते हैं, अगर वाटर ने 100 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर लिया है, तो वाटर विल बी कन्वर्टेड टू व्हाट, स्टीम. सो फंक्शन ऑफ बॉयलर इज टू प्रोड्यूस व्हाट, सुपरहीटेड स्टीम. अभी ये सुपरहीटेड स्टीम कहाँ पे जा रही है, टर्बाइन पे जा रही है. तो टर्बाइन एक्चुअली बेसिकली क्या है, टर्बाइन इट इज अ पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस है. टर्बाइन में एक ब्लेड्स होते हैं, रोटर होता है, एक ब्लेड्स होता है. मैं आपको आगे जो जनरेटर और टर्बाइन पे सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उस पर आपको डिटेल कंस्ट्रक्शंस, टर्बाइन कैसे होता है, कैसे वर्क करता है, वो आपको पता करवा दूंगा. अभी बेसिकली यहाँ पे ध्यान में रखिए, जो स्टीम होती है जो कि बॉयलर प्रोड्यूस करता है, वो टर्बाइन ब्लेड पे जाके उसको हीट करती है. तो टर्बाइन जो है वो रोटेट होता है, जो रोटर है टर्बाइन का वो रोटेट होता है. नाउ टर्बाइन को जो है एक आउटपुट शाफ्ट एक अटैच होता है, तो यानी अगर टर्बाइन रोटेट होता है तो ये भी शाफ्ट रोटेट होने वाला है. अगर ये शाफ्ट रोटेट होता है, ये शाफ्ट किसको कपल्ड है, जनरेटर को, यानी जनरेटर का शाफ्ट भी क्या होगा, रोटेट होगा. अभी जनरेटर का फंक्शन क्या है, जनरेटर है ये मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. रोटेशन ऑफ शाफ्ट इट इज नथिंग बट व्हाट, मैकेनिकल एनर्जी. यानी अगर ये शाफ्ट रोटेट होता है तो जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा.
और जनरेटर इट वर्क्स ऑन व्हाट फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट मींस इफ देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड देयर विल बी ईएमएफ प्रोड्यूस्ड, ईएमएफ अगर प्रोड्यूस होता है इट इज नथिंग बट व्हाट इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टीम आ रही है, स्टीम जो है टर्बाइन ब्लेड को रोटेट करती है, टर्बाइन का जो आउटपुट शाफ्ट है वो रोटेट होता है, टर्बाइन का जो आउटपुट शाफ्ट है इट इज कपल्ड टू जनरेटर, तो मैकेनिकल एनर्जी, रोटेशन ऑफ शाफ्ट इज नथिंग बट मैकेनिकल एनर्जी, वो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। अभी देखो ये जो सुपर हीटेड हाई प्रेशराइज स्टीम है जब वो टर्बाइन ब्लेड पे गिरती है तो After passing through series of blades of turbine, it is converted into a low pressurized steam. ये low pressurized steam कहाँ पे जा रही है, कहाँ पे enter हो रही है? Condenser में। अभी देखो condensation process. Condensation process क्या है? Steam है। अगर steam से हम heat remove कर लेते हैं तो उसका water में convert हो जाएगा। तो अगर steam है, condenser में क्या होता है? Heat removal होता है। अगर steam से heat remove होता है तो उसका कन्वर्जन किस में होगा? वाटर में हो जाएगा। अभी देखो कंडेंसर वर्क कैसे करता है, यहाँ पे कोल्ड वाटर है, इन हो रहा है, ये कोल्ड वाटर क्या करेगा, ये स्टीम में से हीट क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा और कोल्ड वाटर यहाँ से आउट हो जाता है, ये जो है कूलिंग टावर है। तो कंडेंसर में कौन सी प्रोसेस होती है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन प्रोसेस क्या है? जो स्टीम को वापिस वाटर में कन्वर्ट करता है। अभी ये जो वाटर है वो वापिस किस में पंप हो रहा है? वापिस इट इज एंटरिंग इनटू अ बॉयलर। तो उसके लिए फीड पंप, हमारे जो पंप होते हैं, फीड पंप का फंक्शन क्या है? जो भी वाटर है दे आर गोइंग टू पंप दैट वाटर इनटू अगेन बॉयलर। तो वापिस से ये जो वाटर है वो हीट होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा, वापिस ये जो स्टीम है वो टर्बाइन पे जाके आ गिरेंगी, टर्बाइन रोटेट होगा, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, वापिस ये लो प्रेशराइज स्टीम कंडेंसर में एंटर होगी जिसमें से हीट रिमूव होगा, वापिस ये स्टीम का वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो फीड पंप है ये वापिस वाटर किस में पंप करेगा? बॉयलर। तो ये जो है कंटिन्यूस साइकिल क्या रहने वाली है? चलते रहने वाली है। सो दिस इज हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड इन थर्मल पावर प्लांट। ओके, होप आपको वर्किंग प्रिंसिपल हाउ थर्मल एनर्जी, यू कैन से केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल और थर्मल एनर्जी, इट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी फटाक से इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। सो फर्स्ट एडवांटेजेस क्या है? फ्यूल, फ्यूल कौन सा यूज होता है? कोल, तो फ्यूल इज चीपर। उसके बाद लेस स्पेस इज रिक्वायर्ड एज कम्पेयर टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात करें तो डैम वगैरह कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, उसके लिए स्पेस बहुत ज्यादा लगता है। So as compared to hydroelectric power plant, less space is required for thermal power plant. उसके बाद cheaper in production cost and initial cost. Okay. और transmission costs are reduced as these plants are set up near the industry. So these are the advantages of thermal power plant. उसके बाद disadvantages क्या क्या है? So first जो disadvantage है इसका है, अगर हमें हाई प्रेशराइज स्टीम, हाई टेम्परेचर स्टीम अगर प्रोड्यूस करना है तो उसका कॉस्ट क्या होता है? बढ़ जाता है। सो कॉस्ट ऑफ प्लांट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेकेंड जो डिसएडवांटेज है वो मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग कॉस्ट के रिलेटेड है, जो कि इसका हाई होता है। थर्ड है, लॉन्ग टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर इरेक्टिंग एंड पुट अप इन एक्शन। इतने ह्यूज स्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए टाइम क्या लगता है? ज़्यादा लगता है। उसके बाद लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। आपने कूलिंग टावर वगैरह देखे रहेंगे, कंडेंसेशन में एज वेल एज हीट करने के लिए, स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा लेती है। उसके बाद ये जो है ये मेजर है कि कोल बर्न करने के बाद उसका ऐश में कन्वर्ट होता है, वो ऐश हैंडलिंग और ऐश हैंडलिंग इज वेरी सीरियस प्रॉब्लम। ओके, और उसके बाद अगर हम कोल बर्न कर रहे हैं तो CO2 प्रोड्यूस होने वाला है, वो क्या करता है? पोल्यूशन कॉज करता है। तो आपको ये दो डिसएडवांटेजेस तो पता ही होनी चाहिए रिलेटेड टू थर्मल पावर प्लांट। ओके, तो ये जो है थर्मल पावर प्लांट के बारे में इंट्रोडक्शन था। वो कैसे वर्क करता है उसका स्कीमेटिक डायग्राम आपको याद रखने हैं, वर्किंग प्रिंसिपल याद रखना है कि हाउ थर्मल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसके बाद एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस याद रखना है फिर मैं। ओके, सो दिस इज अबाउट इट। सो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।